से व्यापारिक रिश्ते खत्म होने के बाद अलग थलग पड़े ईरान ने अब भारत पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारीफ ने भारत पर अमेरिकी दबाव का हवाला देते हुए कहा कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से ईरान से अपने रिश्ते खत्म कर रहा है। भारत ईरान से तेल इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसे डर है कि अमेरिका उस पर आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत को यह सीख एक ऐसा देश दे रहा है जो खुद आतंकी संगठनों के लिए हब बन चुका है। अंसारुल्लाह और हिजबुल संगठन के आतंकियों का ईरान लंबे समय से भरण पोषण करता आया है और अब चाहता है कि भारत उससे व्यापार कर उसे आर्थिक सहायता दे ताकि वे फिर से आतंकी संगठनों का पेट भर सके। लेकिन भारत ऐसा कतई नहीं करेगा। ईरान को लेकर देश का रुख साफ हो चुका है। इन सब के बीच ईरान को ही बड़ा घाटा हुआ है। व्यापारिक संबंध टूटने से ईरान की कमर तो पहले ही टूट गई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति अब और डमाडोल हो गई है। आपको बता दें, ईरान भारत से चाय, कॉफी, मसालों के अलावा खाद्य उत्पाद की भी खरीदारी करता था, जो अब उसकी जरूरतों के हिसाब से कम पड़ रही है। ईरान को इससे हर साल $8 बिलियन का घाटा हो रहा है। असल में दोनों देशों के संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित ईरान की आतंकी गतिविधियों पर चुप्पी ने किया है। भारत के कई बार चेतावनी देने के बावजूद आतंकवाद को लेकर ईरान गंभीर नहीं हुआ। भारत यह चाहता था कि ईरान से सटे आतंकियों पर पाबंदी कसी जाए, लेकिन ईरान भारत के इस फैसले के खिलाफ था और यही वजह है कि अब रिश्ते खत्म कर लेने पर ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का हवाला देकर सच्चाई से मुंह छिपा रहा है। टीम खबर अपडेट।